कृष्णा कुटीर। उत्तर प्रदेश का सरकार ने वृंदावन में 1000 विधवाओं के लिए घर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की मथुरा में वृंदावन में विधवाओं के लिए घर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा गया कृष्णा कुटीर। कृष्णा कुटीर स्वाधीर गृह योजना के तहत स्थापित 1000 विधवाओं के लिए विशेष घर है और ये सरकारी संगठन द्वारा बनाई गई अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा है। ये वृंदावन में दयनीय स्थिति में रहने वाली विधवाओं की दुर्दशा को कम करने के लिए बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधीर गृह योजना के कार्यान्वित कर रहा है, जो कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को पीड़ितों को लक्षित करता है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि ये गरिमा के साथ अपने जीवन का नेतृत्व कर सके। इस योजना में आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ इन महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का भी योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Women and Child Development Minister Menaka Gandhi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated Krishna Kutir, a 1,000-bed facility for widows in Vrindavan on Friday. Speaking on the occasion, the Union Minister appealed to all Chief Ministers to build joint shelter homes for orphaned children, helpless women and senior citizens so that they can live in a community atmosphere. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the occasion announced that his government will allocate land in Varanasi and Lucknow for construction of similar kind of shelter homes for women and children. Krishna Kutir has been constructed on 1.4 hectare of land at a cost of 57.48 crore rupees with a capacity of 1,000 inmates.